कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नूरपुर स्वास्थ्य खंड में प्रथम चरण में कोरोना कॉल में फ्रंट लाइन पर सेवाएं वाले 1353 कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यह जानकारी SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने आज सोमवार को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन के आयोजन के उपरांत दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल के तहत आज 12 स्वास्थ्य संस्थानों में सुबह 11 से 12 बजे तक ड्राई रन का आयोजन सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि ड्राई रन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैक्सीनेशन प्रक्रिया से पहले हर कमी को दूर करने के साथ साथ अभियान को सफलतापूर्वक सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों को हर जरूरी सहयोग प्रदान करेगा। आज हमारे नूरपुर ब्लॉक में गंगत में और ये नूरपुर PHC में जो ब्लॉक गंगत के अंडर आते हैं हमारे यहाँ पे ड्राई रन किया गया और कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम आज ये जो ड्राई रन किया गया है इसमें हमारे ब्लॉक में 12 जो हैं वो साइट्स बनाई गई हैं जिसमें 9 PHCs हैं, 2 CHC हैं और एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है और उसमें हमारे टीम्स जो हैं वो कार्यरत है। इस टाइम 11 से 12 जो है हमारा ये सेशन था, इसमें 5-5 बेनिफिशरीज जो इस टाइम उनको कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन में उनको मैसेजेस गए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैसेजेस थे और जो टीम्स थी उसमें 5 मेंबर हैं जिसमें एक वैक्सीनेटर है और बाकी वैक्सीनेशन ऑफिसर्स थे। उसमें हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो असाइन की गई थी जिसमें जो उनकी आइडेंटिटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया। हमारे VO जो वन है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई वो किया कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी है या नहीं। उसके बाद VO2 जो है उसको वो उन्होंने उस पर उनको आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की आधार कार्ड से। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी उन्होंने उसको उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी उनकी आइडेंटिटी से उस कार्ड से उससे आइडेंटिफाई किया और फिर उसको इंजेक्शन लगाने के लिए उसमें उनका वैक्सीनेटर जो है उन वहाँ और उनको वैक्सीनेशन दी गई। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में वहाँ 30 मिनट्स के लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए वो हमारे जो भी बेनिफिशरी हैं वो बैठे हैं और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद वो बेनिफिशरी जो है वो वहाँ से बाहर। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।